बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं नसीर खान जदून और आप देख रहे हैं hazara.com.pk। मैं बुनियादी तौर पे लोहर गलियात, मेरा गांव बगनोतर है आबाई, और वहीं से मैंने मैट्रिक तक तालीम की। उसके बाद फिर रावलपिंडी में मैंने एफए जो है वो प्राइवेट किया। उसके बाद मैंने सर्विस थोड़ा अरसा की, फिर आटो वर्कशॉप की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्डर्स का कारोबार है। आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि जब तक आवाम का शहूर बेदार नहीं होगा, वो अपने अंदर से वडेरे, सरमायादार और जागीरदार और मुरूसी सियासत का खात्मा नहीं करेंगे, तब तक उनकी किस्मत कभी भी नहीं बदल सकेगी। अगर वो इन्हीं लोगों की गाड़ियों के पीछे, इन्हीं के मल्लात के पीछे रहेंगे तो कभी भी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली तभी आएगी कि जब 98% मिडिल क्लास और बाशहूर पढ़े लिखे दयानतदार लोग जो हैं वो असम्बलियों में जाएंगे। इलेक्शन तो मेरा अपना ज़ाती इरादा भी नहीं, लेकिन अगर पार्टी ने हुक्म दिया तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लानी है, यहाँ से मुरूसी सियासत का खात्मा करना है और वडेरों, सरमायादारों का। और इलेक्शन में मेरा जो बुनियादी बात होगी वो यही होगी कि कबीले पाकिस्तान में और कौमें दो ही हैं, 1-2% मिडिल क्लास, 1-2% एलीट क्लास और 98% मिडिल क्लास। इलेक्शन के दौरान ये लोग हमें बरादरियों में, जनबों में, धड़ों में तकसीम कर देते हैं, मगर ऊपर से ये एक होते हैं। और यही बुनियादी फ़लसफ़ा है MQM का, मुतहदा कौमी मूवमेंट का। उसी के तहत हम जो है वो, ताकि निचले तबके की क़यादत आवाम के अंदर से, आवाम की क़यादत जो है वो ऊपर जाए और जाकर वो तब्दीली लाए। इस वजह से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का जो फ़लसफ़ा है उसको बुनियाद बनाकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको सबसे पहले मुबारक हो कि मुतहदा कौमी मूवमेंट ने ही, जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने आपको वोट का हक जो है वो दिलवाया है। और यही मुतहदा का फ़लसफ़ा था कि हर आदमी, हर बाशहूर आदमी को वोट का हक मिले। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरह वो लगन से, मेहनत से अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, इसी तरह मज़ीद रोशन करें। और पाकिस्तान के अंदर यकीनन इस वक्त हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है, मगर अपनी सरमायाकारी वो यहाँ पर करें और वोट उन लोगों को दें कि जो मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर काम कर सकें। और मैं समझता हूँ कि इसकी वाज़ा मिसाल मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भाई, जो कि एक टेलीफोन ऑपरेटर वर्कर के तौर पे 90 पे काम करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कराची के सिटी नाजम के, उन्होंने पूरी दुनिया में दूसरा नंबर का गोल्ड मेडल हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेनेट में हैं। तो यही मिसाल इंशाल्लाह मुतहदा की, पूरे पाकिस्तान को हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं। इस वजह से मेरी गुजारिश होगी कि वो कायदे तरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के फ़लसफे को वोट दें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि वोट का हक भी MQM ने दिया है, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि वो इस मुल्क में जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों से जान छुड़ाने के लिए एक इतदाल पसंद और रोशन ख्याल जो क़्यादत है उसको वोट दें।